ये देखिए गाड़ियां ऐसे यहाँ से सुनो ले जाके नीचे डिलीवरी दे रही है। पूरे बादल एकदम व्हाइट हो रखा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ स्नो स्नो और स्नो, और उनके बीच में हम, आप स्नो खोल के मजे लो। ये गाड़ी हमने बुक करी है, इसमें सामान वान रख रहे हैं, बारसनी तक लेके जाएंगे ये भाई साहब हमें। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लोज। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मणिकरण से, तो उसकी तो हमें गाड़ी नहीं मिली, बारसैनी तक की गाड़ी मिली है, बारसैनी जा रहे हैं। तो गाड़ी अभी आ चुकी है, ऑल्टो है, टैक्सी बुक करी है हमने। मणिकरण पूरे बारिश हो रही है तो वहाँ पे स्नो मिलेगी चांसेस है, और ऊपर जो है कि पहाड़ी है वहाँ पे भी स्नो हो रही है, तो आपको दिखाते हैं कैसा है आगे का। चलते हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, भाई साहब है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? सोनू। सोनू, सड़क पे स्नो ही स्नो है देखिए, और लाइव स्नोफॉल चल रही है आगे, ये देखिए पूरा सड़क स्नो से कवर्ड है, ब्लैक आइज हो रखी है, गाड़ियां चलती रहती है इसलिए। ये है जी ताजा स्नोफॉल, एकदम लाइव चल रही है हमारे सामने, आंखों के सामने, और पूरी दिख रही है। कल रात वाली तो हमें दिख रही थी, जो हम गार्गी विलेज गए थे वो दिख नहीं रही थी ज्यादा, पर अभी जो स्नोफॉल हो रही है लाइव दिख रही है, गाड़ी में फील हो रहा है, पर शीशे पे गिर रही है, क्या मजेदार है यार, बहुत जबरदस्त, दिल खुश हो गया। यहाँ पे आए हम, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्नोफॉल तेज हो रही है, देखिए शीशे के ऊपर भी गिर रही है, शायद आपको बारिश की बूंदे टाइप दिखेगी, ये पूरा स्नो स्नो हो रही है, देखिए आपको शीशे पे गिरती हुई दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि हीटर चल रहा है, इसलिए वो क्या है पानी बन रही है हाथों हाथ, बाकी उतरेंगे फिर वहाँ से दिखाएंगे आपको पूरा। अभी बीच में कहीं रुके हैं, मतलब ऐसी जगह देख के कि जहाँ पे स्नो ना गिरे, क्या गाड़ी में थोड़ी सी हवा कम करनी है, स्नो पे पूरी चल नहीं पा रही गाड़ी, तो ड्राइवर साहब कहीं रुके हैं, यहाँ पे हवा निकाल रहे हैं, तो भैया जी हवा निकाल रहे हैं। ये देखो जी, ये है नज़ारे 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 है, ना चलो मैं तो कह रहा हूँ, मेरी गिल मुंह पे टोपी पे हर जगह स्नो स्नो, हाय हाय कितना लिए। ये देखिए जी, ये देखिए आपको भी पूरी दिखाते हैं तसल्ली से, नाक पे गिरती है, नाक पे है हमारे, नाक पे गिरती है स्नो, कहाँ आ गए यार, कुछ भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है बस अलग ही दुनिया में आ गए, बर्फ गिर रही है, वाइट और है पूरा, जन्नत जन्नत का फील लिया जा रहा है जी, जन्नत का फील, बोले दिल खुश कर देता बोले। तो जी फिर से रवाना हो गए हैं, हवा कम कर ली टायरों की, क्या चल नहीं पा रही थी गाड़ी इसलिए थोड़ी रोकी थी, और बीच में स्नो गिर रही थी, तो मैंने कहा उतरते हैं और थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं यहीं पे, आगे बाकी देखेंगे। बहुत तेज़ हो रही है अब स्नोफॉल, धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो स्नोफॉल तेज होते जा रही है। चलो 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 जल्दी चलो, पूरे मजे लेने आज वाले वीडियो, आज वाली जगह में तो पूरे मजे लेने। लाइफ की मेरी
पहली बार स्नोफॉल लाइव देख रहा हूँ मैं। कल रात में भी देखी थी पर वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी, अंधेरा था इसलिए। बट जो अभी देख रहा हूँ एकदम लाइव स्नोफॉल, क्या मज़े आ रहे हैं भाई। अल्टीमेट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा ये। देखिए पूरे बाहर जमा पड़ा है बर्फ ही बर्फ, सारा चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ वाइट, एकदम वाइट, काला तरंग दिख ही नहीं रहा इसमें। सामने वाले पहाड़ वहाड़ सब दिखने बंद हो गए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये सड़क दिख रही है, इतना ही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या क्या नहीं है। बस रास्ता है, गाड़ी लेके चल रही है हमें, भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं, तो हम बस इनके साथ बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं पता ही नहीं है, कौन सा गाँव आ रहा है कौन सा निकल रहा है। जो भी गाड़ी खड़ी है, देखिए गाड़ी बाइक का हाल देखिए, ये वाली बाइक का हाल देखो कैसे भरी पड़ी है, पूरा ट्रक हो रहा है, गाड़ी वाड़ी घर वर सब बर्फ में ढके हुए हैं, एकदम पूरे ढके पड़े हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बारसेनी, यहाँ से आगे जो ट्रैक है खीरगंगा वो अभी बंद है। उसका रीज़न ये है, जो आपको स्नो दिख रही है ये है उसका रीज़न, जिसकी वजह से रास्ते पूरे बंद कर दिए हैं। पूरे बादल एकदम वाइट और क्या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ स्नो स्नो और स्नो, और उनके बीच में हम, आपको भी हम ही दिखाई दे रहे होंगे खाली, और बाकी ये स्नो दिख रही होंगी। ये चल रहा है जी, कुर्सियाँ बनाई थी, चेयर बनाई थी, इंसान आएंगे बैठेंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। बर्फ़ यहाँ आके बैठ रही है, आराम कर रही है, देखिए तो ये लो जी ऐसे आ रही है जी। वो पीछे का आपको कुछ नज़र आ रहा होगा या नहीं होगा ये मेरे को आइडिया नहीं है, पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। पूरा बादल वाला और का पूरे स्नो स्नो हो रही है, देखिए स्नो तो आपको यहाँ दिख रही होगी गिरती हुई। तो भी यहाँ पे कुछ चाय पानी पीते हैं, फिर देखें आगे आगे ट्रैक करेंगे। जो यहाँ से दोस्त तक का ट्रैक है वो 4-4.5 किलोमीटर का है, अगर वो करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो भी आपको बता दें, देखते हैं। पर फिलहाल के लिए तो चाय ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल लाल हो चुके हैं हाथ, तो इसलिए अभी पहले चाय पानी पीते हैं, थोड़ी एनर्जी और लाते हैं, उसके बाद में आगे के लिए निकलते हैं। तो गाइज आगे के लिए तैयार हो गए हैं, यहाँ से बरसाती रेनकोट जो मिला है वो लिया है, यहाँ पे किराए पे देते हैं सारे 100 रुपये लेते हैं लगभग, और हमने शूज़ भी लिए हैं, या स्नो में चलना है तो अपने जूते जो है ख़राब हो जाते हैं, इसलिए 100-100 रुपये चार्जेस हैं इनका। और अभी हम सब भाई जा रहे हैं, ये भाई अपने फिरदास से ही हैं, फिरदास से हैं, ये सब भाई अपने साथ जा रहे हैं, हम सब 6-7 जने हो गए यहाँ से। तो ट्रैकिंग में ठीक रहेगा, जितने ज़्यादा जने उतने ज़्यादा बढ़िया रहता है, ट्रैकिंग का मज़ा आता है। और स्नो आप देख ही रहे हो लाइव गिर रही है, ट्रैकिंग का मज़ा आएगा आज वाली ट्रैकिंग का। गाड़ियाँ देख रहे हो बर्फ़ से ढकी पड़ी है पूरी, पूरे पहाड़ ढके पड़े हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है और कुछ नहीं, बर्फ़ दिख रही है या हम दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा है। अब ग्रुप थोड़ा बड़ा हो गया, और क्या सफ़र पे जहाँ भी निकलते हैं थोड़ी सी बातचीत होती है, दोस्त यार नए नए बन जाते हैं और साथ में निकल लेते हैं। आ जाओ भाई, देखो गाड़ियाँ ऐसे चल रही है, इस कंडीशन में भी गाड़ियाँ चल रही है, बताओ क्या बात है यार, बर्फ़ देखो ऊपर मज़े लिए जा रहे हैं फुल। देखो पूरी ढकी पड़ी है भाई, गाड़ी पूरी ढकी पड़ी है स्नो से, पूरी ढकी पड़ी है। वो सामने आपको तार दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है तार ब्लैक कलर में नहीं आते हैं, वाइट कलर में आते हैं, देखिए पूरे वाइट हैं, स्नो के बने हुए हैं और इसी के थ्रू बिजली पास होती है। थोड़ी मजाक कर रहा हूँ, स्नो जम गया देखो तारों के पे भी, अभी थोड़ी देर में हमारे पे भी जम जाएगी, हम फिर स्नोमैन हो जाएंगे। डिंग 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 डिंग, मज़े फुल आ रहे हैं भाई, ठंड उससे भी ज़्यादा लग रही है पर मज़े उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। देख रहे हो ग्लव्स उल्टा पहन रखा है, ठंड लग रही है, ग्लव्स गीला हो गया, इससे ज़्यादा ठंड लग रही है, एक हाथ में पहना एक हाथ में नहीं पहना। बाकी अपने भाई लोग आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे ठीक है। अरे आँख पे क्यों गिर रही है तुम, जब कहीं पहुंचे तो हैं, थोड़ा खुला सा एरिया यहाँ पे, देखते हैं यहाँ क्या है। कुछ करीबन 1 किलोमीटर के आसपास चल के आ गए हम पैदल, 1 किलोमीटर तो हो गया, अब आगे देखते हैं क्या है। पूरा स्नो ही स्नो है भाई, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मौज लो बस, बर्फ की मौज लो, गदर डालिए भाई गदर, मौज आली मौज, एकदम वाइट रुई पड़ी है, रुई चारों तरफ रुई रुई है, देखो नीचे मजे के चक्कर में अपने जूते भी गिले हो लिए, पैर भी गिले हो लिए, होने दो भाई होएंगे ही, इसीलिए तो आए हैं, एडवेंचर एक नंबर हो रहा है, बर्फ के मजे लिए जा रहे हैं।
अभी का कुछ सीन ऐसा है, गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, उसमें गाने बज रहे हैं और सब लोग नाच रहे हैं। ये देखिए पीछे का व्यू, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, स्नोफॉल तेज़ हो रही है धीरे धीरे। तो जी यही नज़ारे यहाँ के, कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो गया हमें यहाँ पे और पूरा स्नो का एंजॉय ले रहे हैं हम, मज़े आ रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी है, तो साथ में ही सब एक जगह है, ट्रैवलिंग करते हैं ना कहीं भी हम, तो दोस्त यार नए नए बनते जाते रहते हैं, नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, दोस्त यार बनते रहे। यहाँ पर पार्टी उनकी चल रही है, डांस वांस चल रहा है, हम भी साथ में उनके साथ डांस वांस कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं फुल। और यहाँ से दोस्त रह जाता है लगभग 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास, तो दोस्त भी हम जाने का सोच रहे थे, पर अभी सोच रहे हैं कि यार बर्फ़ तो सारी, हम स्नोफॉल तो हमने लाइव देख ली, तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए भी हम आगे नहीं जा रहे हैं, बाकी यहीं पे इंजॉय कर रहे हैं फुल। थोड़ी देर और इन्जॉय करेंगे, उसके बाद में सीधे नीचे जाएंगे, आप स्नोफॉल के मज़े लो, तब तक थोड़े टाइम लैप्स और स्लो मो दिखाते हैं आपको, वो देखिए। हमने इतना स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, हमें मणिकरण से कोई बस नहीं मिल रही थी, और बस जो मिल रही थी उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम ऊपर आ नहीं पा रहे थे, तो हमने गाड़ी वाड़ी बुक करी। हम ये डर भी था पहले कि भाई ऊपर स्नोफॉल लाइव मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मनाली में भी हम गए थे, मनाली में बर्फ़ नहीं मिली हमें, बारिश बारिश थी, स्नोफॉल लाइव देखने को नहीं मिली। वैसे सोलांग गए थे वहाँ बर्फ़ थी काफ़ी, बट स्नोफॉल जो थी देखने की मन में तमन्ना की भाई जल्दी जल्दी स्नोफॉल देखें, एक पहला लाइफ का जो स्नोफॉल का एक्सपीरियंस है वो करें आप। तो वो गाइज हमें यहाँ बार से नहीं आके और तोस में आके यहाँ मिला हमें, जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट स्नोफॉल का, और क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा भाई, गोड एडवेंचर रहा है, पूरा एडवेंचर मज़ेदार। टेम्परेचर माइनस में कम से कम 4 या 5 डिग्री, हाँ क्या ही बात है जी, मज़ा ही आ गया, गदर ही मज़ा आ गया जी, तो सही था लाइक ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसके बाद स्नोफॉल खैर और भी देखते रहेंगे, अगर भगवान ने चाहा और जिंदा रहे तो ज़रूर देखेंगे, सही है। मतलब एक जगह से चलो, कहीं से कुछ सोच के चले हम कि भैया हमें यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, और अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो क्या ही खुशी मिलती है यार, अलग लेवल की खुशी मिलती है। वो खुशी आज मैं फील कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था वो फील कर रहा हूँ मैं आज, कि हाँ भाई आखिरकार स्नोफॉल मैंने लाइफ की पहली स्नोफॉल मैंने देख ही ली, सही है जी। बाकी दोस्त लोग चल जा रहे हैं आगे, दोनों जय और संदीप आगे आगे जा रहे हैं, जल्दी से पहुंचते हैं। अब शाम की टिकट भी है फरीदाबाद की, दिल्ली की बस की टिकट बुक कर रखी है, कसौल से है वो, तो सही है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जी अभी आए हैं वापसी थोड़ी दूर, बारसैनी में चाय वाय पी रहे हैं, थोड़े गर्म हो रहे हैं, पूरे ठंडे पड़ गए थे, चाय वाय पी लेते हैं उसके बाद में मणिकरण के लिए निकलेंगे, ठंड बहुत है भाई। अब पता चल रहा है जैसे वो बर्फ़ पिघल रही है ना, तब पता चल रहा है कि ठंड, जब बर्फ़ पिघल रही है उसके बाद भाई पता चल रहा है कि भाई साहब ठंड कितनी ज़्यादा है। क्यों जय? बिल्कुल बहुत ठंड है ना। हाँ भाई संदीप, क्या हाल चाल तेरे? अब मज़े आ रहे हैं भाई, ताप रहे हैं, ठीक है, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो जी ठीक है जी, अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब जाएंगे यहाँ से कसौल और कसौल से बस बुक करेंगे दिल्ली के लिए। बाकी ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ का, बारसैनी का जो टैक्सी स्टैंड है, आपको पता चल जाएगा, गाड़ियाँ खड़ी होगी काफ़ी सारी। अब यहाँ से कसौल तक के हम 6 जने हो गए हैं, कुछ और भी भाई थे जिनको भी कसौल जाना था, तो उनसे हमने बात कर लिया, उनका एक साथ जाएंगे तो कुछ सस्ता पड़ जाएगा, तो 1300 रुपये हम कह दें गाड़ी 6 जनों के लिए, तो यहाँ से हम गाड़ी में बैठेंगे। तो जी स्नोफॉल तो फिर से तेज़ हो गया है, काफ़ी तेज़ हो गया स्नोफॉल, काफ़ी ज़्यादा तेज़। ये देखिए गाड़ियाँ ऐसे यहाँ से स्नो ले जाके नीचे
डिलीवरी दे रही है सुनो की, ऐसे भर भर के जा रही है गाड़ियाँ, सुनो सुनो से। परेशान तो परेशान से हिसाब से।